मैं हूँ ग्रेसी चौहान। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज बख्शी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब भली भांति इनको जानते हैं। आज इनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने कैसे शुरुआत की और किस तरीके से उन्होंने अपने काम को इतना आगे बढ़ाया कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं। आज हर एक दर्शक उनके काम को जानता है, सराहता है और पसंद करता है। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारी किस्मत से हमारे साथ आज आप मौजूद हैं, तो हम अपने दर्शकों को आपके संघर्ष की गाथा ज़रूर सुनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने इस शौक़ को या इस प्रोफेशन में आने का कैसे सोचा या किस तरीके से सोचा कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में आना है? जी, ये बहुत लंबी कहानी है तो आपने पूछ दी। एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ। लोग पहले संघर्ष करते हैं फिर बॉम्बे जाते हैं। मैं पहले बॉम्बे गया जब 12th में पढ़ता था, मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी वहाँ पे, तो वहाँ गया तो वहाँ फिल्म स्टार्स वगैरह आए हुए थे शादी में। मैंने अपने कज़न से पूछा ये लोग क्यों आए हुए हैं, पद्मा खन्ना और सुजीत कुमार और ये वो सब। तो उसने कहा कि हम लोग फिल्म बनाते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मगर मुझे भी बताना कैसे कुछ होता है ये। तो इवनिंग में मुझे वो SL स्टूडियो ले गए और स्टूडियो के अंदर वहाँ बैठी हुई थी रंजीता, एक हीरोइन थी पुराने ज़माने की वो, और ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन जी। और राकेश रोशन जी को मैंने देखा, मैंने कहा ये तो उनको हम फिल्मों में देखते थे, तो वो विदाउट विग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मैंने पहली बार उनको देखा, मैं कहा ये वैसे ये तो विदाउट हेयर बंदा है। और साथ में रंजीता बैठी हुई थी। तो मैं कज़न के साथ गया अंदर। उस समय मैं बड़ा स्मार्ट सा था, 6 फुट हाइट थी और लंबे लंबे बाल रखता था मैं, चश्मे पहनता था और लॉकेट वॉकेट पहनता था और हील्स और पहन रखी हुई थी। तो मेरा कज़न जो है वो प्रोड्यूसर था, तो वो मिला इन लोगों से, तो मैं साथ में था। तो रंजीता मैडम ने पूछ लिया कि ये कौन है, तो उसने कहा हमारा कज़न है। तो ये भी काम कर रहा है क्या फिल्म के अंदर? तो वो कहा नहीं नहीं ये तो पढ़ाई कर रहा है। कह रही नहीं इससे कराओ, ये अच्छी पर्सनैलिटी है, करना चाहिए इसको। अब एक यंग बच्चा, उसके दिमाग में अगर हीरोइन बोल दे तो आदमी दिमाग तो ख़राब होता है ना। तो मैं घर में आया, मेरा दिमाग ख़राब, मैं इतनी बड़ी हीरोइन ने कह दिया, तो मैं अपने फादर को बोल दिया। तो फादर ने मुझे डांटा कि बेटा हमारे लाइन का कोई आदमी इस फील्ड में नहीं है, कोई गॉडफादर तेरे को नहीं मिलेगा, ये कज़न है, ये भी अभी फिल्में बना रहा है, पता नहीं कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, इसलिए बेटा पहले स्टडीज़ कर ले, कुछ जॉब वॉब कर ले, समझ ले और धीरे धीरे ट्रेंड हो ले फिर जाना। और तो मैं फिर आ गया चुपचाप मायूस हो गया। और लेकिन मैं जॉब मैंने पकड़ा, मैंने स्टडीज़ करी, उसके बाद मैंने थिएटर एक हो रहा था वहाँ ज्वाइन किया। और थिएटर में जब गया तो मुझे समझ में आया कि ये बड़ा लर्निंग का प्रोसेस है, ये आसान काम नहीं। हम सोचते हैं कि बच्चन साहब की तरह तो मैं भी डायलॉग बोल लेता हूँ यार, तो ये तो बड़ा आसान काम है, मैं भी कर लूँगा, लेकिन वो आसान नहीं है, उसके लिए पूरी फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मैंने थिएटर से जब किया तो मेरे समझ में आ गया मेरी औकात नहीं है वहाँ जाने की। और मैं वहाँ खूब थिएटर में अपने आप को रवा करता गया कि सीखने का चीज़ है, खूब सीखा थिएटर। मैंने करीब 18 ईयर्स तक UP के अंदर थिएटर किया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स लोग आते थे देखने शो, तो मुझे कार्ड पकड़ा जाते थे कि इस नंबर पर फ़ोन कर लियो। तो मैं फ़ोन करता था, वो कहते हमारा सीरियल बन रहा आ जा, तो सीरियल में बुलाते थे मुझे। वो रोल्स मेरे ऐसे स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। और वैसे बिजनेस फील्ड से हूँ, लेकिन अब जब इधर प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया तो मैं इधर आ गया। बहुत तो लंबी, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि घर से आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, एक गाइड कर दिया गया कि आप ये काम करना चाहते हो तो अपने दम पे करो, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट क्या, उनको पता ही नहीं था। 90% लोगों को पता नहीं होता। एक तो इस फील्ड में इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि उनको लगता है कि यार बच्चे का कोई सिक्योर्ड काम हो जाए जिससे उनकी भी लाइफ सिक्योर हो जाए, उसकी भी लाइफ सिक्योर हो जाए, तो कोई जॉब कर लो, कोई गवर्नमेंट जॉब में पकड़ लो। ये 90% लोगों की यही धारणा होती है कि प्रॉपर एक इनकम आती रहे और घर चलता रहे, चलती रहे। एक्टिंग में ऐसा कोई स्कोप तो एक्टिंग में उनको वो देखते हैं कि पता नहीं कई लोग फेल भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो जाने नहीं देना, कोई माँ बाप नहीं जाने देना चाहता। तो मेरे साथ भी यही था कि मेरी मदर जो है चप्पल फेंक के मारती थी मुझे, दुकान पे नहीं जाता, फैक्ट्री पे नहीं जाता।
तो लेकिन फिर भी मुझे पैशन था और मैं जानता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ, कोई गलत मैंने सोच नहीं, तो मैं तो अपने आप को ट्रेंड करता गया और धीरे धीरे खुद ही मुझे मिलती गई चीज़ें। और मैं कभी जाके बॉम्बे में किसी ऑफिस में जाके मैंने चक्कर नहीं काटे कि जी मुझे रोल चाहिए, मुझे मेरे पास जो कुछ भी आया अपने आप ही आया। तो आपने अपने आप को खुद ग्रूम किया ना? खुद ग्रूम, आप ही कह रहे हो कि आपने थिएटर करके, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई इंस्टीट्यूट बड़ी ज्वाइन करता और फटाफट पहुंच जाता, तो मैं तो एक ही माध्यम था कि थिएटर करता था। थिएटर से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि 500,000 आदमी बैठा है सामने, उसके सामने परफॉर्म करता था और धीरे धीरे सीखने को मिलता था, तो वो फॉर द इन्जॉयमेंट में करता था एक्चुअली, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया अपने आप। ये बताइए, जब आपने 18 साल थिएटर में मेहनत करके अपनी एक दर्शकों की एक पंक्ति तैयार कर ली, उससे आपको कुछ ऑफर्स भी मिलने लगे, इन ऑफर्स में आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जो आपको याद आता है? पहला प्रोजेक्ट था वो, लेकिन बन नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वो था जिंदा लाश। उसमें मुझे विलन का रोल उन्होंने दिया था, लेकिन वो कुछ फाइनेंसर्स के आपस में झगड़े हो गए तो वो फिल्म बन नहीं पाई। और जो रिलीज मेरी पहली हुई थी वो थी खूनी जलजला। उसके अंदर मैं चूंकि थिएटर में काफ़ी रवा हो चुका था और डायरेक्टर मुझे समझ गए थे कि ये आदमी कर लेता है, तो उस फिल्म के अंदर 2 घंटे की फिल्म थी वो, और 2 घंटे की फिल्म में करीब 45 मिनट्स का मेरा रोल था। 45 इन द सेंस के 20 मिनट का मेरा रोल था एज ए गेम्स कोच, और 20 मिनट का मैं करीब 20-25 मिनट का मास्क पहन के मर्डर्स करता हूँ। तो वो तो मैंने कई बार डायरेक्टर साहब से कहता भी था, मैं कहा सर लास्ट में निकलेगा तो कोई और ना जो मर्डर कर रहा है, मैं ही तो नहीं निकलूँगा, तो किसी और से करा लो। तो वो कहते थे यार तू ट्रेंड आदमी है, तू फटाफट कर देगा, हमारे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। कोई छोटे से प्रोड्यूसर थे, कह रहे हमारे पास इतना ही पैसा है यार, इसी में बनानी है फिल्म। तो वो मुझे चलो कॉम्प्लीमेंट ही लगा, मेरा डायरेक्टर मुझे ऐसी बात बोल रहा है, तो मैं रात रात भर जाग जाग के मैंने वो कम पिक्चर कंप्लीट की थी। तो उसके बाद सिलसिला चल पड़ा आपकी एक्टिंग के करियर का। जी जी, कुछ खास बात ऐसी याद आती हो जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को मिलने में आपको कुछ सेक्रीफाइस करना हो, सेक्रीफाइस की गई हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लेकिन कोई अगर मान लो बोलता भी था मेरे को तो मैं उसको अवॉइड, मेरे पास थे ही नहीं पैसे जी, तो मैं कहाँ से दे देता। अगर कोई डिमांड भी करता कि भाई 20,000 दे दो तेरे को रोल दे देता हूँ, तो मेरे पास जब होते ही नहीं थे तो मैं वहाँ से निकल लेता था। तो जो मुझे दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, शुरू शुरू में मैंने जो कुछ नहीं भी दिया उनके साथ किया, क्योंकि प्रोफाइल बनानी बन जाती है तब आपको काम मिलते हैं। तो मैंने कभी मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था फिल्मों का, और मैं तो करता चला गया जो भी काम मिला, फिर धीरे धीरे पैसे भी तो लोग देने लग गए तो मैं लेने लग गया, ठीक है। और ये आते हैं तो मोटिवेशन अपने और ज्यादा हो जाती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो और जो जोर से करने लग गया इस काम को। हम जो अभी आज की फिल्मों की हम बात करते हैं, आपकी कुछ खास फिल्में आई हैं उसमें से एक बजरंगी भाईजान आजकल बड़ी लोगों की जुबान पे चढ़ी, उसमें आपका जो किरदार था बहुत ही मजेदार था, लोगों को बहुत एंटरटेन किया उस किरदार ने। मतलब अगर लोग बजरंगी भाईजान सलमान की वजह से जानते हैं तो वो इंस्पेक्टर को नहीं भूल सकते जो हथकड़ी के पीछे पड़ गया था। तो उसके बारे में कुछ दिलचस्प वाक्या हो तो सुनाए। नहीं, मैंने करी तो सैकड़ों फिल्में, मतलब 100 पिक्चर हो चुकी होंगी, लेकिन कोई छोटे लेवल की जो होती हैं वो नेशनल लेवल तक पहुँच नहीं पाती हैं, जो पहुँच जाती है वो उसकी ब्रांडिंग नहीं होती। और ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें भाई थे इसलिए ब्रांडिंग थी इस पिक्चर की, और हाँ तो अपने आप फेमस हो गए, तो इसलिए लोग मुझे उससे रिकॉग्नाइज करते। लेकिन इससे बड़े बड़े काम भी मैंने किए हुए हैं पहले, जैसे 2 दुनी 4 एक फिल्म आई थी, उसका रोल जो था मेरा फाइनल एकदम क्लाइमैक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो था फिल्म का वो मेरा था, लेकिन वो उस पिक्चर की पब्लिसिटी ऐसी नहीं हुई या मार्केटिंग ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से वो पूरी देश ने देखी तो है और हर आदमी तारीफ करता है, क्रिटिक्स भी तारीफ करते हैं, लेकिन उसको एक बार में नहीं देखा लोगों ने ब्रांडिंग के हिसाब से। मतलब अगर जैसे सलमान भाई की पिक्चर आती है ना तो लोग वेट कर रहे हैं, ईद पे पिक्चर आ रही है जाना देखना, एक फॉलोइंग है। तो इकट्ठे उसमें मेरे को रिस्पॉन्स पूरे इंडिया से मिली है, और 2 दुनी 4 में मैं इतना फेमस हो गया था कि बॉम्बे की इंडस्ट्री वाले
जो थे वो मुझे पहचानने लग गए थे, और बजरंगी से पूरे देश की पूरी जनता मुझे पहचानने लगी। तो थैंक्स टू कबीर खान साहब जिन्होंने डायरेक्ट करी इतनी बढ़िया फिल्म, और थैंक्स टू सलमान भाई, और थैंक्स टू ऋषि कपूर साहब जिनके साथ मैंने सबसे बड़ा करेक्टर अपनी फिल्मों का जो किया। और वह थिएटर पे तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिल्म में मेरे ख्याल से अभी मैंने 20% एक्टिंग नहीं करी है जो थिएटर में हमने सीखा हुआ है। वो प्लेटफॉर्म मिलने वाली बात होती है, जिस जो आपका प्लेटफॉर्म कोई आपका गॉडफादर अगर है तो वो दिला देता है इजीली, और नहीं है तो आपको स्ट्रगल करके ही जाना है जनता के भरोसे। तो मैं भैया जनता के भरोसे आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे लेकिन कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरे देश की जनता को खुश रखूँगा हमेशा। वैसे भी कहते हैं कि अभिनय ऐसी नदी की तरह है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, उसमें जितना नीचे उतरो उतना ही उतना ऊपर जाओगे। और जिस दिन सोचने लग जाओगे हम सबसे बेहतरीन है, उस दिन से आपका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। जी जी जी, बच्चन साहब भी कहते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ। कुछ ऐसा है आपके ख्याल में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आजकल के बच्चे से उन्हें लगता है सबसे इजी काम यही है कि एक्टिंग में चले जाओ, मॉडलिंग कर लो, एक्टिंग कर लो, पढ़ाई मत करो, ये चीज़ उनके माइंड में बैठ गई? यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊँ आपको कि ये अब आजकल के बच्चे शुरू हुए हैं ऐसा सोचना। हमारे टाइम पर जब हम थिएटर करते थे तो जब मैं लड़का था तो मेरी माँ मुझे चप्पल मारती थी, और दूसरी चीज़ हमें लड़कियाँ मिलती नहीं थी थिएटर में, तो हम सोचते थे कि कोई लड़की ना हो या ऐसा नाटक करो तो लड़के लड़के हम लोग कर लेंगे, या लड़की कहाँ से लाएंगे। आज वर्क इतना फैल गया है कि 500-700 चैनल हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, तो जो थोड़े से वीक लोग हैं उनको भी काम प्रॉपर मिल रहा है, तो रोटी पानी चल रही है सबकी अच्छे से। एक्टर पहले खुद जो है मेहनत करता था, लोगों को हंसाता था, खुद बेशक दुखी रहता था, लेकिन अब ज़माना ऐसा आ गया कि एक्टर खुद भी खुश रहता है और पब्लिक को भी खुश रखेगा, वो दोनों चीज़ चालू हो गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आ गई इसके अंदर, मॉनेटरी अरेंजमेंट्स आ गए। आजकल माएँ बोलने लग गई हैं कि वो ऐसी एंकर ही बन जाके वो देख 70,000 रुपये कमा रही है, वो गाड़ी लेकर घूम रही है, तो वो सारा कुछ फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। पैसा जिस फील्ड में हो सब जो उधर जाना चाहते हैं। और रही बात के सक्सेस होने की, तो डॉक्टर भी अगर सक्सेस नहीं है तो उसके घर वाले कहते हैं पता नहीं कौन सी डिग्री उठा ला है, ये अजीब सा कुछ डॉक्टर वॉक्टर पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और एक्टर जो सक्सेस हो जाता है तो कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार है, तो मेरे को आज धीरे धीरे मेरे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ। उनको फक्र महसूस होता होगा आपके बारे में जिक्र करके। हाँ, और गालियाँ बहुत खाई जिंदगी में। जी जी, आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आने वाली कौन सी फिल्में हैं आपकी, या कौन से ऐसे काम हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहें हमारे कि आप देखें जरूर और सराहें? वैसे तो मेरी 25 करीब फिल्में हैं जो बन के तैयार हो रही हैं, और अगर आ गए इकट्ठे तो मैं शायद बहुत बड़ा स्टार कहलाऊँगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके बीच में, क्योंकि एक फिल्म बनती है 70 लोगों के जॉइंट वेंचर से, उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, किसी का झगड़ा हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, तो लेकिन उनमें जो कुछ पिक्चरें जो ऐसी हैं जो आने वाली हैं जिन पे मैं बड़ा खुश हूँ उनमें काम करके, वो एक है DNA में गांधी जी, उसमें मेरा मेन रोल है गांधीवादी व्यक्ति का, और वो डायरेक्ट की है संदीप नाथ जी ने, जो कि बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं बॉम्बे में। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, ये लिरिक्स सुन के लिखे हुए हैं, और गोविंदा 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 सरकार फिल्म की जो बैकग्राउंड स्कोर सारा उनका दिया हुआ है, और 70 फिल्मों में वो हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है ये फिल्म DNA में गांधी जी। तो मैं उस पर बड़ी उम्मीद है मुझे कि अगर वो आ गई मार्केट में तो मेरी थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, कि बहुत बड़ा एक्टर भी है और एक्टर है हमारे लिए बहुत बड़े। थैंक यू, नहीं आप कह रहे हो ना वो, लेकिन मैं अपनी लाइफ के हिसाब से समझता हूँ कि मुझे अभी और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अंदर बाकी है अभी एक्टिंग का जो थिएटर वेटर से सीखा हुआ है। और बढ़िया जो फिल्में आने वाली हैं उनका बता दूँ, उजड़ा चमन अभी लगी हुई है, हालांकि उसमें एक सीन है मेरा, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज
जो लोग थे उन्होंने प्रयास अच्छा किया इसको बनाने का, एंड सनी सिंह वॉज वेरी क्यूट गाई एंड ही रिस्पेक्टेड मी टू मच, और मैंने उसको सनी सिंह को कहा, यार भाई इतने बड़े स्टार हो तुम यार, तुम मैं छोटा सा एक कैरेक्टर एक्टर हूँ, तो तुम ऐसे मत, इतनी रिस्पेक्ट मत करो। कह रहे नहीं पाजी, हम हमारे संस्कार ऐसे हैं। तो मुझे बंदा अच्छा लगा इसलिए मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे जब रोल करता हूँ तो उनके नाम नहीं लेता मैं, लेकिन उजड़ा चमन का नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा एक रोल एक और पिक्चर में किया है, पागलपंती, जो 22 तारीख को लगेगी, वो उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो अनीस बज़मी साहब ने डायरेक्ट किया फिल्म, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी कॉमेडी फिल्म वेलकम वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया है, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि आई एम हैप्पी मैंने उनके साथ अनीस सर के साथ काम किया। और उसके बाद 6 तारीख को आ रही है पानीपत, पानीपत वो भी एक एस डायरेक्टर हैं आशुतोष गवारीकर, आशुतोष गवारीकर साहब की कोई भी फिल्म देख के आप देखो, वो जो पीरियड फिल्म कितनी बेहतरीन बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात थी कि ही हिमसेल्फ इज़ एन एक्टर, तो उसने हर एक्टर से उन्होंने कोशिश करके उससे अच्छा सा काम करवाया है, ये मैंने देखा है उस पिक्चर में। और मैं उसमें भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट का रोल कर रहा हूँ, और मेरा एक ड्रीम एक्टर उस फिल्म के अंदर है जिसके साथ काम करने का मेरे को शुरू से ख्वाहिश रही है, और मुझे बचपन से वो अच्छे लगते रहे। उस दैट डजंट मीन के आई एम यंगर टू हिम, मतलब आई एम एन ओल्ड मैन, बचपन से अच्छे मीन्स जब से फिल्में देख रहे हैं तब से, वो है संजू बाबा उस फिल्म में है, और मेरा वो ड्रीम एक्टर है कि उनके साथ मुझे रोल करने को मिले, इसमें सामने खड़ा होने को मिला है, बस अगली फिल्म में शायद बड़ा रोल भी मिल जाए। तो संजू बाबा मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, चाहे उनके फादर का रोल ही मुझे मिल जाए, मुझे आई डोंट माइंड। बख्शी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण घटनाएं शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे आके, आप लोग चाहें तो किसी एक्टर को उठा देते हैं, और सर, तो मुझे उठने की चाहत है इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। जिनमें एक्टिंग अच्छी है, कला अच्छी है, हमारे दर्शक, हमारा भारत ऐसा देश है जो उन्हें सर आंखों पर बिठाता है। मैं खुद आपका थैंकफुल हूँ मैम कि आपने बुलाया हमको, और धीरे धीरे लोग पसंद करना शुरू करेंगे तो भाई मेरे भी बड़े बड़े रोल्स आने लग जाएंगे। थैंक यू, क्योंकि सारा कुछ जो है ये दर्शक हैं, यही लोग बनाते हैं इंसान को, तो हमारे जैसे लोग तो इन्हीं के थ्रू बनते हैं, क्योंकि हमारे गॉडफादर कोई है नहीं, तो खुद ही जाना है। तो थैंक यू वेरी मच आपका मैडम, और ये जो दर्शक वॉच कर रहे हैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।